हेलो दोस्तों, सी ओ सी एल दोस्त के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप सभी को गोवा स्ट्रेटेजी को यूज़ करके TH10 के दो बेसिस के ऊपर अटैक्स दिखाए थे, लेकिन आज TH9 के ऊपर तीनों अटैक्स दिखाएंगे। तीनों के तीनों डिफरेंट बेसिस है TH9 के, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और करते वीडियो को शुरू। सबसे पहले अगर आप लोग इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करना चाहते हैं तो ऐसी ही बेस ढूंढिए जिसमें वॉल्स की ज़्यादा कंपार्टमेंट नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिर्फ बीच में दो एक्सबोज वाला दो छोटा छोटा दो कंपार्टमेंट है, और बाकी एक ही कंपार्टमेंट में सारे के सारे डिफेंसेस एक ही कंपार्टमेंट के अंदर है। और इस बेस का डिफेंस 100% मैक्स नहीं है, लेकिन ज़्यादातर डिफेंसेस ही मैक्स किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आर्चर टावर, कैनन, एक्सबोज वगैरह वगैरह आप लोग देख सकते हैं। तो इस बेस में सिंपल क्वीन वॉक से आप लोगों को स्टार्ट करनी है, और एक बार अगर फाइनल अच्छी से क्रिएट हो जाए तो सारे के सारे वॉल्स को डिप्लॉय कर देना है। तो मैं यहाँ पे वेट करूँगा थोड़ी देर ताकि क्वीन थोड़ी सी फाइनलिंग कर दे अच्छी से। उसके बाद एक गोलेम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, उसके पीछे दो तीन विजार्ड ताकि अच्छे से बाहर के जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद वॉल्स को बेक करते ही सारे के सारे जो वॉल्स थे उसको एक ही लाइन से डिप्लॉय कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे रेज स्पेल को कहाँ पे आप लोगों को डिप्लॉय कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे किंग के ऊपर डिप्लॉय करा था रेज स्पेल, उसके बाद कोर में एक हील और एक रेज, और बाकी सारे के सारे जो डिफेंसेस है उसको वॉल्स एक ही मिनट में चुटकियों के तरह एक ही मिनट में ख़त्म कर देगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बेस में और कुछ बचा ही नहीं है, इजी ये बेस 3 स्टार हो चुका है। तो अगर आप लोग इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करना चाहते हैं तो 2-3 दिन प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि पहले ही अटैक में ये बेस 3 स्टार हो जाएगा, बहुत सारे अटैक्स 2-3 दिन करने के बाद ही आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आएगा। उसके बाद दूसरा जैसे वो TH9 का 100% मैक्स रिंग बेस है, रिंग बेस के ऊपर भी वॉल्स अटैक आसानी से काम कर जाता है। तो यहाँ पे मैं बाहर के तरफ से बहुत सारा लूट मिलेगा तो बाहर के तरफ से एक एक विजर्ड छोड़ देता हूँ। अगर आप लोगों को लूट मिलेगा तभी आप लोग विजर्ड को वेस्ट कीजिए, क्योंकि विजर्ड बहुत ही कम है और उसको बचा के रखना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्वीन वॉक से स्टार्ट करूँगा इधर के तरफ से, क्योंकि इधर के तरफ से बहुत ही कम डिफेंसेस है, तो क्वीन आखिर तक जिंदा रहने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे मैंने क्वीन वॉक स्टार्ट कर दिया है, और पहले की तरह ही क्वीन वॉक स्टार्ट करने के बाद कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा। एक गोलेम छोड़ना है, और सारे के सारे डिफेंसेस अगर गोलेम पे लॉक हो जाए तभी आप लोगों को वॉल ब्रेकर्स छोड़ना है, नहीं तो वॉल ब्रेकर्स जल्दी जल्दी मर जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने वॉल ब्रेकर्स भी छोड़े हैं। उसके बाद किंग, क्वीन तो मैंने पहले ही छोड़ा था, उसके बाद सारे के सारे वॉल्स को डिप्लॉय कर दिया। बाद आप लोगों को कोर में जाने के बाद रेज और जो हीलिंग पहले दोनों को एक साथ डिप्लॉय कर देना है। उसके मदद से क्या होगा, वॉल्स भी नहीं मरेंगे और सारे के सारे डिफेंसेस भी क्लीन अप हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वॉल्स ने पहले की तरह ही बहुत अच्छी तरीके से डिफेंसेस को इजीली तोड़ दिया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बाकी इस बेस में कुछ बचा ही नहीं है, देखते हैं इस बेस में कितना परसेंट तक जा सकता है। गेस कर लो इस बेस में कितना परसेंट तक जा सकता है, कॉमेंट में लिखिए क्या ये बेस 100% हुआ है या फिर 90% में ख़त्म हो जाएगा। 90% तो हो ही चुका है, आई गेस 95 तक जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे टाइम प्रॉब्लम हो चुकी थी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन ये बेस नहीं तो इजी 3 स्टार हो जाता। उसके बाद ये जो तीसरा बेस है इसमें आप लोग देख सकते हैं TH8 का सारे के सारे डिफेंसेस है, TH9 का सिर्फ 2 एक्सबो है, लेकिन फिर भी इस साइड से फाइनलिंग करना है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कर देना है सिंपल सी, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है ये स्ट्रेटेजी बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा ओपी है। उसके बाद आप लोगों को सेम स्ट्रेटेजी में अटैक करना है सेम तरीके से, तो ये बहुत ही आसान है, तो और कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं, इस वीडियो को आगे एंजॉय करो।
इस स्ट्रेटेजी को मैं क्यों इतना ओवर पावरफुल बोल रहा हूँ वो लोग मेरा अटैक लॉक देखने के बाद ही समझ जाओगे। यहाँ पे मेरा जो अटैक लॉक है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ज़्यादातर अटैक 70-80% टू स्टार पे ख़त्म हुआ है, लेकिन उनमें से आधा से ज़्यादा ही थ्री स्टार निकले है। देख सकते हैं सिर्फ बीच में जो है एक अटैक का कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, इसलिए वो अटैक लॉस्ट हो गया था, लेकिन बाकी के जो अटैक्स है वो संदर गया। इस अटैक को इस अटैक स्ट्रेटेजी को यूज़ करके आप लोग इजीली थ्री स्टार ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पे एक लाइक करना मत भूलना। चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लेना, उसके मदद से नोटिफिकेशन आता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। I have you now.